नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का मतदान आज जारी है। वोटिंग को लेकर आजमगढ़ से बनारस तक मतदाताओं में काफी ज्यादा जोश दिख रहा है। मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लाइन लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं वाराणसी समेत पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। वाराणसी, आजमगढ़, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, मऊ और सोनभद्र में कई दिग्गजों ने अपना वोट डाला। और चंदौली की चकिया विधानसभा, सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज और दुधी विधानसभा नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। बाकी 51 सीटों पर शाम के 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। वही भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने आखिरकार समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। सपा में आते ही वह भाजपा पर हमलावर भी हो गए। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी का दामन थामने के बाद कहा कि बीजेपी में परिवारवाद का पैमाना छलवा है और मैं आज तक पता कर रहा हूं कि बीजेपी ने परिवारवाद का क्या मानक तय किया है। आखिर किस आधार पर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को टिकट दिया जाता है, फागू चौहान के बेटे को टिकट मिल सकता है लेकिन रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को टिकट नहीं मिल सकता। इनका परिवारवाद का मानक इन नेताओं पर क्यों नहीं लागू होता। वही मयंक जोशी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मैंने 13 साल भाजपा में लगाए हैं लेकिन पार्टी ने कुछ नहीं दिया, अच्छा हुआ पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। सातवें चरण के लिए आज 54 सीटों पर वोटिंग जारी है। जहां इस चरण के चुनाव में कई मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है तो वहीं इस फेज में बाहुबली नेताओं के सामने भी चुनौती है। बाहुबली दिग्गजों पर भी सबकी नजरें हैं जिनमें मुख्तार अंसारी की सियासी विरासत संभालने बेटे अब्बास उतरे हैं तो ब्रजेश सिंह के भतीजे मैदान में। इतना ही नहीं, जौनपुर की मल्हनी सीट से चुनाव लड़ रहे बाहुबली धनंजय सिंह भी काफी ज्यादा चर्चित उम्मीदवार बने हुए हैं और ऐसे में देखना है कि इस बार की चुनावी जंग में बाहुबली क्या अपना सियासी वर्चस्व कायम रख पाते हैं या फिर नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान आज जारी है। बताना चाहेंगे कि अब 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है और इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि मतगणना में फर्जीवाड़ा हो सकता है जिसको रोकने के लिए किसानों को तैयार रहना चाहिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि मतगणना में गड़बड़ी की बिल्कुल आशंका है, ये गिनती में गड़बड़ी करेंगे, ये हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देंगे, इसलिए जनता को निगाह रखनी होगी। राकेश टिकैत रविवार को मुजफ्फरनगर की नवीन मंडी पहुंचे। यहां वोटिंग सेंटर के पास बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने वोट दे रखी है, हम तो यहां अपनी वोट को देखने आए हैं कि वो कहां बंद है और इधर सब्जी मंडी है उसे देखने आए हैं कि उसकी क्या हालत है। आगे उन्होंने कहा कि किसानों से अपील है कि 2 दिन किसान अपनी छुट्टी रखें, अपनी निगाह रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 दिन गन्ना किसानों की 2 दिन ज़्यादा पर्ची आएंगी, बिजली भी ठीक ठाक रहेगी लेकिन किसानों को ट्रैक्टर लेकर वोटिंग सेंटर्स पर भी निगाह रखनी चाहिए। जिला पंचायत में सरकार ने गड़बड़ की थी, इसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। तो राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। मुजफ्फरनगर में मतगणना के दौरान राकेश टिकैत वहां पर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने किसानों से बातचीत की। किसानों से कहा कि ईवीएम मशीन पर निगाहें बना के रखें, कभी भी गड़बड़ी हो सकती है, जिसके चलते राकेश टिकैत ने किसानों को कहा है कि वो 2 दिन की छुट्टी ले और निगरानी रखें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बताना चाहेंगे आपको कि राकेश टिकैत ने किसानों को चेताया है और कहा है कि किसान 2 दिन की छुट्टी रखे। वहीं 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने हैं, ऐसे में ईवीएम की सुरक्षा एक बड़ा मामला है। इस पर प्रशासन के अलावा प्रत्याशियों ने अपनी तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम कर रखे हैं। मेरठ में ईवीएम पर दूरबीन से नजर रखी जा रही है। विधानसभा चुनाव परिणाम से ठीक पहले पूरे प्रदेश में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर विपक्षी दल चुनाव बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं।
ईवीएम की सुरक्षा में कोई कसर नहीं रह जाए इसके लिए प्रत्याशियों ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं। प्रत्याशियों की सजगता का एक उदाहरण मेरठ में देखा गया है। यहाँ एसपी आरएलडी गठबंधन के हस्तिनापुर प्रत्याशी योगेश वर्मा और उनके समर्थक दूरबीन लेकर 10 मार्च तक के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of engine. Macro lubricant ready to ride. Feel the power of engine.